चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है जयपुर से। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ी है बड़ी खबर। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटेशन पर भेजे 24 मेडिकल टीचर्स। एसएमएस समेत अन्य मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर हंसराज पहाड़िया, डॉक्टर सुरेश कुमार यादव, डॉक्टर मोहित कुमार जैन, डॉक्टर अमित जैन, साथ ही डॉक्टर घनश्याम स्वामी, डॉक्टर योगेश यादव, डॉक्टर नेहा चौधरी, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर सुवाराम सैनी, इनके अलावा डॉक्टर सुनील कुमार रावत, डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा, डॉक्टर महेंद्र सिंह हाडा, डॉक्टर सिद्धार्थ तिरमान, साथ ही डॉक्टर खुशबू जिंदल, डॉक्टर योगेश मोदी, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी, डॉक्टर महेंद्र बैनाड़ा का नाम और साथ ही डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर पंकज निठारवाल, डॉक्टर चिन्मय यादव, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर अनुपम जौहरी और डॉक्टर कविता मौर्य, जिन्हें आरयूएचएस भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेप्यूटेशन पर 24 मेडिकल टीचर्स को भेजा गया है आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में। डेप्यूटेशन पर ये 24 मेडिकल टीचर्स, जिनके नाम अभी फर्स्ट डे आपको दिखा रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर, भी ये नाम फ्लैश हो रहे हैं। एसएमएस समेत अन्य मेडिकल कॉलेजेस से ये 24 मेडिकल टीचर्स आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटेशन पर इनका नाम भेजा गया है। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटेशन पर 24 मेडिकल टीचर्स को भेजा गया है। एसएमएस समेत दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से क्रमशः सारे नाम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन्हें डेप्यूटेशन पर आरयूएचएस भेजा गया है। एसएमएस समेत दूसरे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, क्रमशः सभी का नाम, 24 नामों की सूची डेप्यूटेशन पर आरयूएचएस भेजी गई है। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में इन 24 मेडिकल टीचर्स को डेप्यूटेशन पर भेजा गया है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में 24 मेडिकल टीचर्स को डेप्यूटेशन पर भेजा गया है, नाम भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप क्या जानकारी पूरी इस खबर पर? और देखिए, बिल्कुल, आरयूएचएस जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है वहाँ की व्यवस्थाओं को ट्रैक पर लाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा की मंशा है कि जो आरयूएचएस है वो जल्द से जल्द एक अलग इंस्टीट्यूशन के रूप में तैयार हो और साथ में एसएमएस के विकल्प के रूप में उसको विकसित किया जाए, जिसके लिए रिम्स की उसकी घोषणा जो की गई थी उसको धरातल उतारने के लिए वहाँ फैकल्टी लगाने के लगभग हर प्रयास हो चुके हैं, लेकिन कई जगह दिक्कतें आ रही है, कई तरह की समस्या आ रही है। तो ऐसे में अब एक बार की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एसएमएस समेत अन्य जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर से फैकल्टी मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के पहले जो भेजे गए थे वो अधिकांश डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने स्टे ले लिया कोर्ट से, तो ऐसे में अब डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस में लेकर के अब उनके डेप्यूटेशन वहां किए गए आरयूएचएस अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के अंदर। और जो भेजे गए हैं डॉक्टर उनमें से अलग अलग विभाग के अलग अलग विशेषज्ञ मेडिकल फैकल्टी के जो डॉक्टर्स है भेजे गए हैं, और ये जो डॉक्टर्स है कुल 24 मेडिकल टीचर्स भेजे गए हैं, जो की एक बड़ा आंकड़ा है। और इससे काफी हद तक अगर ये सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो काफी हद तक आरयूएचएस के अंदर जो शुरुआती फेज के अंदर उसको जो विकसित करने की बात है या फिर जो वहां पर मरीजों के फुटफॉल को बढ़ाने की बात है वो सब चीजें धरातल पर उतर सकती है अगर ये सभी डॉक्टर्स वहां ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि अभी प्रतिनियुक्ति के आदेश दिए गए हैं, अब देखना ये होगा कि अब इन प्रतिनियुक्ति आदेश की पालना में कितने डॉक्टर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में उसका क्या इम्पैक्ट जो अस्पताल के अंदर देखने को मिलता है। जी ठीक है विकास, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।